अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको जो है वो बकरे दिखाने लगे। ये हमारे मोहल्ले में आए हैं और ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। इन्होंने बकरे खरीदे हैं, कुछ दिन हो गए हैं। आइए आज हम इन बकरों की थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, बकरों का इंटरव्यू लेते हैं। आज हमारे साथ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई अली हसन साहब, क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्र है बड़ा। आप सुनाए भाई? ठीक ठाक माशाल्लाह। बड़े प्यारे बकरे लिए जी आपने। जी शुक्रिया, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। इनको कितने दिन हो गए हैं लिए हुए हैं? इनको कुछ दिन हो गए हैं, तकरीबन एक हफ्ता हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसा जा रहा है आपका ये? मैं कहता हूँ माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है अभी। हमारी तो कोशिश थी कि दो माह पहले ले लेते, लेकिन जो अल्लाह को नसीब था इंशाल्लाह वही ले लिया थे। माशाल्लाह जी, आप बड़ी मेहनत भी करते हैं, नज़र भी आ रहा है, अल्लाह ताला आपका ये कबूल भी करे। तो बताइए जी, इस बकरे से शुरू करते हैं, इसके दांतों से क्या है ये बकरा? ये दांतों से पक्का खीरा है। अच्छा, इसके अगर दांत चेक हो जाएं? हाँ जी, क्यों नहीं, ये पक्का खीरा है माशाल्लाह। ईद तक हो सकता है ये, इसकी कुर्बानी वगैरह हो जाए? हाँ जी, जानवर भारी हो ना तो तोला इंशाल्लाह। सही सही माशाल्लाह। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है दूसरे बकरे से। हाँ, ये बड़ा है साइज, इसका छोटा है। हाँ जी भाई, आपका क्या नाम है? अब्दुल रहमान। और अब्दुल रहमान कैसे हो, ठीक हो? मैं ठीक, आप सुनाएं। तो शौक जा रहा है फिर? जी जी सही सही। तो ये जो बकरा है ये दांतों से क्या है? ये दोंदा। अच्छा, इसके दांत चेक हो सकते हैं? मुझे लग रहा है कि ये जो है ना, ये जरा थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना अथरा है ये। जी, ये जरा गुस्से में है, ये नहीं आता। जरा ध्यान से एक दफा फिर कोशिश कर सकते हैं? जी जी। सही सही सही। ईसा भाई आप देखें जरा, आपसे इसके दांत चेक होते हैं? नहीं जी, ईसा भाई का ये चैनल भी है और इनको पता भी है, इन्होंने पाले भी हुए हैं, इनका ये शोभा भी है, लेकिन इनसे फिर भी उसके दांत नहीं देखेंगे। ईसा भाई ने एक नाकाम कोशिश की है। चले जी। अच्छा जी, इनका खुराक का क्या हिसाब किताब है वो बताएं जरा आप हमें। खुराक सुबह टाइम इसे खाल दी जाती है, जो रात की बिघी होती है सुबह टाइम खाल के साथ तोड़ी दी जाती है, और दोपहर को इसे पट्टे और फिर पट्टों के थोड़ी देर बाद इसे लस्सी दी जाती है, कच्ची लस्सी। सही। तो ये कोई बीमार वगैरह तो नहीं हो रही? कोई मसला तो नहीं है? किसी डॉक्टर वगैरह को दिखाना पड़ा हो? नहीं, मसला कोई नहीं है, बीमार नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है एहसान अल्लाह का। फिर इन्हें पट्टे दे के इन्हें सुला दिया जाता है। सही भाई अब्दुल रहमान, आपने तो यार बड़ा इंतजाम किया हुआ है, ये पंखा भी इनके लिए आपने लगाया हुआ है, ये आपने बैठने के लिए कोई जगह बनाई हुई है। हाँ जी। और आपने एक लाइट का भी इंतजाम किया हुआ है, आपने बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है, अल्लाह ताला आपकी ये कुर्बानी कबूल भी करे। हाँ। तो भाई ईद के लिए फिर इनके साथ आपका दिल तो लग गया होगा? दिल तो बिल्कुल ऐसी बात है। आपने कोई इनका नाम भी रखा कि नहीं रखा? नहीं, अभी नाम इसका सोच रहे हैं, आप जरा सजेस्ट करते हैं क्या नाम होना चाहिए इसका? सही, ये भाई अब्दुल रहमान ही इसके नाम रखेगा प्यारा सा। तो भाई बड़ा अच्छा लगा जी आपका शौक देख के, एक दफा ओवर व्यू कर लेते हैं आपके बकरों का और देख लेते हैं जी। माशाल्लाह, ये आप देखें जी, पीछे अगर हाथ लगाएं तो ये जानवर इतना हल्का नहीं है, ये माशाल्लाह बड़े प्यारे जानवर हैं, इनको मुनासिब मिल गए, ये कुछ दिन पहले ले आए हैं। आजकल जो मंडी है वो काफ़ी तेज़ है, काफ़ी जो है वो इस मंडी में तेज़ रेट है। तो ले जी, आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह पाक भाई आपकी कुर्बानी को कबूल करें। आपके वक्त का भी काफ़ी शुक्रिया। तो भाई इस तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए आगे हमारे बंडी के व्लॉग्स आएंगे, ऊँटों के आएंगे, बकरों के आएंगे, मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए हमारा चैनल जो है ईसा जट, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।